तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी हमेशा आपके लिए कुछ नई जानकारी लाता है। तो दोस्तों आज फिर से आपके लिए एक जानकारी है। क्या है जानकारी? आज हम बात कर रहे हैं सिंगल मोटर मालिक के बारे में। सिंगल मोटर मालिक यानी वैसे ट्रक मालिक जो कि एक ट्रक लेकर के खुद से ट्रक को ड्राइव करते हैं या फिर किसी ड्राइवर को रख करके ड्राइव करते हैं। क्या हम जानकारी देने वाले इसके बारे में, ये भी हम बता देते हैं। सबसे पहला नंबर, तो क्या आज के डेट में सिंगल ट्रक ओनर वो जो है एक तरह से सक्सेस है या नहीं है, क्या करना होगा उनको सक्सेस होने के लिए, किस तरह से वो प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्या आपको बनना चाहिए सिंगल मोटर मालिक, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सिंगल मोटर मालिक। सिंगल मोटर मालिक अगर हम देखें पूरे इंडिया में तो लगभग 40% ऐसे ट्रक मालिक है जो कि सिंगल मोटर मालिक है। मतलब लगभग उनके पास एक ट्रक है, एक ट्रक रख करके वो खुद से गाड़ी को ड्राइव करते हैं या तो ड्राइवर को रख करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं। इसके साथ ये भी पॉसिबल है कि वो सिंगल ट्रक किसी ड्राइवर को रख करके चलावा रहे हैं अपनी गाड़ी को, साथ में वो ब्रोकरी का भी काम या कमीशन एजेंट का काम मार्केट में करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में लोग इस तरह से ज्यादा इस बिजनेस को करते हैं। बट सिंगल ट्रक ओनर में आज उनके लिए बात कर रहा हूं जो खुद से अपने ट्रक को ड्राइव कर रहे हैं या फिर ट्रक लेकर के ड्राइवर के थ्रू अपने ट्रक को चलवा रहे हैं, बट वो किसी भी तरह का कोई ब्रोकरी का काम नहीं करते, किसी भी तरह का कोई कमीशन एजेंट का काम नहीं करते। वो पूरी तरह से अपने ट्रक को लोड करवाने के लिए मार्केट के ऊपर डिपेंड हो, किसी और के थ्रू ही अपने ट्रक को लोड करवाते हैं। बात करते कि क्या परसेंटेज है ऐसे लोगों का सक्सेस होने का, तो दोस्तों ऐसे लोगों को सक्सेस होने के लिए कुछ चीजें जो है आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रक रख करके ट्रक मार्केट में चला रहे हैं, क्या चीजें हैं उसके बारे में बता देते हैं आपको। सबसे पहला नंबर कि आपको अपने रूट को फिक्स करना पड़ेगा। जी हाँ, जिस भी रूट पे आपको इंडिया में ट्रक चलाना है, सबसे पहले फिक्स कर लीजिए कि आपको इसी रूट पे ट्रक चलाना है, इसको छोड़ करके किसी और रूट पे ट्रक नहीं चलाना है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपको कलकत्ता से लेकर के मुंबई के बीच में ट्रक चलाना है, तो आपको कलकत्ता टू मुंबई ही चलाना है। ऐसा ना हो कि आप कलकत्ता से दिल्ली गाड़ी चला लीजिए या कलकत्ता से हैदराबाद गाड़ी लेकर चले जाइए, आप कलकत्ता से चेन्नई गाड़ी लेकर के चले जाइए। अगर इस तरह से आप बिजनेस करते हैं एक ट्रक रख करके, तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे पहले अपने जो रूट है उसको फिक्स कर लीजिए। दूसरा क्या और करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले जिन दो लोकेशन है जहां से आपको लोड करना है दोनों साइड में, मतलब आपको मुंबई से लोड करना है और आपको कलकत्ता से लोड करना है, तो इस दोनों जगह पे दो तीन कमीशन एजेंट्स आप फाइनल कर लीजिए जो आपके ट्रक को लोड करवा सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो लॉजिस्टिक कंपनी अगर आपके जान पहचान में है तो सबसे अच्छा है, किसी लॉजिस्टिक कंपनी के कॉन्टेक्ट में आप आ जाइए, वहां से आपको डायरेक्ट लोड मिलेगा। ये सबसे अच्छा है अगर आप लॉजिस्टिक कंपनी के कॉन्टेक्ट में आ जाइए। जैसे लॉजिस्टिक कंपनी, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि वरुणा हो गया जो इस तरह के काम करती है, ऑल कार्गो हो गया, गति हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनी है इंडिया में जो कि लॉजिस्टिक कंपनी के श्रेणी में आते हैं, वो दोनों साइड से भी आपको लोड दे सकते हैं, एक साइड से लोड दे सकते हैं। तो वह इसी कंपनी अगर आपके कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वेल एंड गुड। तीसरा क्या, तो दोस्तों अगर आप सिंगल मोटर मालिक हैं, अगर आप ड्राइवर को रखकर के गाड़ी चला रहे हैं या खुद गाड़ी चला रहे हैं, आप ध्यान रखिए आपको कम से कम अपने पास 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको लेकर के चलना पड़ेगा। मतलब कि दिल्ली से मुंबई आने जाने में जो खर्चा है, इसके अलावे आपको 1.5 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जहां पे कि आपको पैसा खुद से लगाना ट्रक लेकर के जाना है, तो आप वो चीज कर सके। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके रिलेशन मार्केट में खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप वैसे सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए अपने पास जरूर रखिए, तभी आप इस इंडस्ट्री में एंटर कीजिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद है दोस्तों अगर आप ड्राइवर रख करके चलाते हैं तो विश्वसनीय ड्राइवर चाहिए। जी हाँ, कहा ऐसा जाता है कि ड्राइवर जो है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में वो किसी भी ट्रक का राजा होता है। तो अगर आप ड्राइवर रख करके ट्रक चलाते हैं तो ध्यान रखिए आप ऐसे ड्राइवर को अपने पास रखिए जो आपके लिए विश्वसनीय हो, आपके साथ वो गलत ना करे। क्योंकि ऐसा बहुतों जगह देखा गया, मैं सारे ड्राइवर के बारे में नहीं बोलता हूं, बहुत सारे मैंने इंटरव्यू भी लिए, वहां पे भी आपने सुना होगा
कि गाड़ियों के पार्ट्स हो जाते हैं, तेल हो जाते हैं, ड्राइवर लोग बेच देते हैं, तो ऐसा ड्राइवर मत रखिए कि जो ये इस तरह के काम करे, इससे आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा नहीं हो पाएगा और जहां तक हो सकेगा लॉस ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो विश्वसनीय ड्राइवर आप जरूर रखिए, क्योंकि विश्वसनीय ड्राइवर अगर रहेगा तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद और क्या क्या चीजों पर जानकारी ध्यान देना चाहिए दोस्तों, इसके बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो जब कभी आपका पेमेंट लेट होता है तो जहां से भी आप गाड़ियों को लोड करवाते हैं उनके साथ रिलेशन खराब करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने उनके साथ रिलेशन खराब किया तो आपके पास एक ही ट्रक है, फिर आप उस एक ट्रक को सही से लोड नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि जहां से भी आप लोड कराते हैं उनके साथ आपका रिलेशन खराब ना हो, टाइमली उनको गाड़ी प्रोवाइड कीजिए, बाकी जो चीजें हैं वो भी उनको टाइमली प्रोवाइड कीजिए, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, पीओडी हो जाते हैं, ये सब चीज उनको टाइमली दिया कीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे भी जो है किसी भी ट्रक मालिक का मार्केट में एक अलग पहचान बनता है। और ट्राई कीजिए मार्केट में हमेशा एक अलग पहचान बनाने का अगर आप सिंगल मोटर मालिक है, क्योंकि मैं जैसा बार बार बोल रहा हूं कि सिंगल मोटर मालिक के लिए एक ही जरिया है कमाने का, तो आपके पास वो चीजें होनी चाहिए जिससे कि आपका मार्केट में विश्वसनीयता जो है, जो लोगों के आपके प्रति जो लोगों का विश्वास है वो बढ़ सके। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे लोग कहां पे ज्यादा करके जो है सिंगल मोटर मालिक सक्सेस होने के चांसेस है। तो दोस्तों माइनिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे कि सिंगल मोटर मालिक आज के डेट में सबसे ज्यादा है और यहां पे सक्सेस होने का भी चांस उनका सबसे ज्यादा है। तो ट्राई कीजिए कि जहां पे भी माइनिंग से रिलेटेड काम होता है, अगर आप उस एरिया के रहने वाले हैं तो वैसा ट्रक खरीदिए जो माइनिंग इंडस्ट्री में चल सके। माइनिंग इंडस्ट्री मतलब कि आपका कोयला हो गया, गिट्टी, बालू, बाकी चीजें जो बॉक्साइड वगैरह हो जाता है, ये सब चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपका आयरन ओर हो गया, ये सब चीजों का जो ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये माइनिंग इंडस्ट्री में बढ़ जाता है सिंगल ट्रक ऑनर के लिए बिजनेस करना। और वहां पे संभावना भी बहुत सारे होती है, क्योंकि वहां पे बिजनेसेस कभी खत्म नहीं होता, वहां के कॉन्ट्रैक्टर बदलते रहते हैं बट बिजनेस वहां पे चलता ही रहता है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आप सिंगल ट्रक ऑनर हैं तो ऐसा ट्रक रखिए जो माइनिंग इंडस्ट्री में चल सके, और माइनिंग इंडस्ट्री में ट्रक चला करके आप सक्सेस ना हो ये पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वहां पे बिजनेसेस जो है अच्छा खासा लोगों को मिलता रहता है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो सिंगल ट्रक ऑनर को ध्यान में रखना चाहिए। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले बता रखा, उसमें और भी चीजें मैं बता रखा हूं, उस वीडियो में ट्राई करूंगा आई बटन पे डाल देने के लिए, ताकि वो वीडियो और ये वीडियो देख करके आप चीजों को समझ सके। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले बताया, तो बाकी चीजों को मैं इस वीडियो में नहीं जोड़ता हूं, नहीं तो वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी सिंगल ट्रक ऑनर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।